नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों पद परिचय। तो दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ट्रिक और कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जिसके जरिए आप पद परिचय को देखते ही पहचान जाएंगे और आगे कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हिंदी व्याकरण से रिलेटेड 100 से अधिक महत्वपूर्ण ट्रिक और प्रैक्टिस सेट के वीडियोस ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पद परिचय को पढ़ने से पहले यही जान लीजिए कि पद होता क्या है। तो दोस्तों ये होता है वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो सार्थक मतलब जिसका मीनिंग हो, ठीक है, मीनिंगफुल जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रयोग होते हैं, वाक्य में होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी मैं आगे डिटेल में बताता हूँ, आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और उन शब्दों का परिचय ही क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है, ठीक है। पद जब आप जान जाएंगे तो उसका परिचय ही क्या होता है, पद परिचय होता है, ये तो आप समझ ही जाएंगे। तो चलिए, लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है शब्द और पद में। लोगों का कहना है कि शब्द और पद एक ही चीज़ होती है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन मैं आज आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, राम क्या है, एक राम एक शब्द है, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो शब्द कहते किसे हैं, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ठीक है। जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है वो शब्द होता है। तो अब हमने क्या किया, राम को यहाँ पर वाक्य में प्रयोग कर लिया। हमने बोला राम अच्छा खिलाड़ी है, तो इसमें क्या हो गया, राम यहाँ पर अब क्या हो गया, शब्द नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये वाक्य में प्रयोग कर लिया गया। तो अब ये क्या बन गया है, जब भी किसी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। बस ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई ना तो आप शब्द और पद में अंतर करना सीख जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने बोला कि अच्छा क्या है, तो आपने कहा सर जी अच्छा, ये तो स्वतंत्र है, मतलब किसी वाक्य में प्रयोग नहीं है, तो ये तो क्या हो गया, हमारा शब्द हो गया। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा राम एक अच्छा खिलाड़ी है, यहाँ पर मैंने अच्छा का इस्तेमाल कर लिया, तो कहेंगे नहीं सर ये अब शब्द नहीं रह गया है, ठीक है। क्यों नहीं रह गया, क्योंकि हमने इसे वाक्य में प्रयोग कर लिया है। तो जब भी वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो शब्द जो होता है वो फिर पद में बदल जाता है, ठीक है। वाक्य में प्रयोग करना ही शब्द से पद में बदल जाता है, ठीक है। खिलाड़ी क्या है, खिलाड़ी अगर मैं ऐसे यहाँ पर लिख दूँ, सिर्फ मैं कहूँ खिलाड़ी क्या, तो आप लोग कहेंगे सर जी ये तो शब्द है, तो मैं कहूँगा ठीक है। लेकिन जब मैंने उसी को वाक्य में प्रयोग कर लिया तब आप क्या कहेंगे, कहेंगे राम एक अच्छा खिलाड़ी है, यानी खिलाड़ी क्या हो गया, अब खिलाड़ी जो है वो पद हो गया है, ठीक है। तो पद और शब्द में यही अंतर है कि स्वतंत्र रूप से जो अस्तित्व में होते हैं उन्हें हम शब्द कहते हैं, और जब वही शब्द जाके किसी वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, सीता बहुत आलसी है, यहाँ पर क्या कर दिया गया, अंडरलाइन कर दिया गया, ठीक है। अंडरलाइन कर दिया गया, इसका मतलब ये आपसे वाक्य में जिसको अंडरलाइन करेगा, ठीक है, उसी के बारे में पद परिचय पूछा जाएगा, ठीक है। उसी के बारे में पद परिचय पूछा जाएगा कि इसके बारे में जो भी चीज़ आप जानते हो वो सारी चीज़ें आप हमें बता दो। अब ये क्या हो सकता है जो अंडरलाइन होगा दोस्तों, ये क्या हो सकता है, ये संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, ठीक है, विशेषण होगा, क्रिया होगा और अव्यय होगा, ठीक है। इन्हीं पांच में से ये चीज़ें होंगी, ठीक है। संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, क्रिया होगा या अव्यय होगा, इन्हीं पांच में से चीज़ों के बारे में वो आपसे बार बार पूछेगा। अब इसके लिए ट्रिक क्या है, तो चलिए वो देख लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, जैसे जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर अंडरलाइन शब्द वाली चीज़ क्या हुई, संज्ञा हुई, तो आपको क्या बताना होगा, वहाँ पर लिंग बताना होगा, उसका वचन बताना होगा और कारक बताना होगा, ठीक है, अगर वो अंडरलाइन वाला शब्द संज्ञा होगा। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम कई सारे एग्जाम्पल लेंगे, उसके थ्रू आपको चीज़ों को समझाएंगे। और साथ में आपको यहाँ क्या बता देना, संज्ञा जब बताएंगे आपको पता चल गया कि वो चीज़ संज्ञा है, तो साथ में आपको उसका भेद भी बता देना रहेगा, ऐसा सभी के साथ करना है। जैसे सर्वनाम अगर है, अंडरलाइन वाली शब्द क्या है, सर्वनाम है, ठीक है, तो उसका तुरंत क्या करेंगे आप, भेद बताएंगे, लिंग बचाएंगे, वचन बताएंगे और कारक बता देंगे। यानी संज्ञा सर्वनाम का जो है वो लिंग वचन कारक बताना होता है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब अगर अंडरलाइन वाली चीज़ विशेषण हो तो हमें क्या करना है, तो उस पद में तुरंत आपको भेद बता देना है, ठीक है, वो तो हमको पता है, भेद हमें सभी का बताना है, लिंग बताना है, वचन बताना है,
अब दोस्तों यहाँ पे विशेष्य बताना है, ना कि कारक बताना है, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, विशेष्य है। तो इस बहुत से लोग आप लोग देखेंगे कि लोग कारक यहाँ भी बताने लगे, लेकिन यहाँ पे जरूरी क्या है, विशेष्य बताना, जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत होती है उसे बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता देंगे। अब जैसे अंडरलाइन वाला पद क्या है, क्रिया है, आपको पता है, तो क्रिया का भेद बता देंगे, कौन सा है, लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे और यहाँ पे काल बताएंगे, ठीक है। क्रिया में क्या इंपॉर्टेंट है, काल बताना है। अब अगर जो अंडरलाइन वाला शब्द है यानी कि पद है वो अव्यय है, तो उसमें क्या करेंगे, आप उसको भेद बताएंगे अव्यय का, और बाकी ना तो आपको लिंग बताना है, ना वचन बताना है, ना कारक बताना है, ना काल, और कुछ भी नहीं बताना। क्यों नहीं बताना है वो मैं अभी आपको आगे पूरी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अब दोस्तों इसके लिए आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय ये बहुत ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका ट्रिक का वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, लिंक जो है इसका मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आप लोगों को दे दूंगा, वहाँ से जाके इन सभी को एक बार जरूर देख लीजिएगा अगर आपको नहीं आता है तो, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बनाई है, ऐसी ट्रिक बनाई जो यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, तो उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपको सारी चीज़ें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से कम समय में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हमारा क्या है, सुधा पत्र लिखती है। अब हमको क्या मिल गया, यहाँ पर अंडरलाइन यहाँ पर सुधा के सामने है, ठीक है। तो सुधा एक क्या है, नाम है, ये आप लोगों को पता है। नाम जैसे आ जाता है कोई चीज़ तो वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है आपकी संज्ञा हो जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। संज्ञा से रिलेटेड ट्रिक मैंने बहुत अच्छा बता रखा है। अब जैसे संज्ञा आपने बता लिया तो आपको क्या करना है, संज्ञा का भेद बताना, मैंने बताया ही था कि जैसे संज्ञा आपको पता चल गया सुधा एक संज्ञा है, तो अब ये कौन सा भेद है, संज्ञा का कौन सा भेद है, तो ये है दोस्तों व्यक्तिवाचक, ठीक है। कैसे होता है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। जब मैं कोई नाम लूँ और आप घूम फिर के किसी एक जगह पर आ जाएंगे तो वो आपका क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है, ठीक है। लेकिन जब मैं कोई नाम लूँ और आप घूम फिरा के वहाँ पे ना आ पाएँ तो वो क्या होता है, जातिवाचक। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने बोला पर्वत, ठीक है, तो पर्वत क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक। तो मैंने कहा पर्वत तो सारे पर्वत होते हैं, इसका मतलब मैं घूम फिर के एक जगह पर नहीं आ पाया, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक हो गया, ठीक है। ये सब मैंने उस ट्रिक वाले वीडियो में बता रखा है, ज़रूर देख लीजिएगा। अब मैं बोलूँ हिमालय, हिमालय भी तो एक पर्वत ही है ना, हिमालय मैंने बोला तो हिमालय के आप कह रहे हैं, अरे हाँ हिमालय जो कि उत्तर में है, भारत के उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया, आप घूम फिर के एक जगह पे पहुंच गए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक हो गया। तो ये सारी चीज़ें ट्रिक मैंने बता रखी वहाँ पे, तो वो चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब आपको पता चल गया सुधा क्या है, इसका पद परिचय क्या है, व्यक्तिवाचक है, ठीक है। अगली चीज़ देख लेते हैं इसमें क्या है, अब ये बताना है आपको लिंग, लिंग क्या है, तो बिल्कुल सुधा पत्र लिखती है, ती है ना, तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया स्त्रीलिंग हो गया, तुरंत आपको पता चल गया। अब वचन बताना है, सुधा कितनी है, एक ही तो है ये भैया, एक वचन हो गया। उसके बाद देख लेते हैं क्या बताना है आप लोगों को, कारक बताना है, तो कारक क्या हो जाएगा, यहाँ पर सुधा क्या है, कर्ता ही तो है, ये आपने तुरंत बता दिया। तो ये जो चार चीज़ें आपने बताई हैं ये क्या है आपका, सुधा के लिए आपने पद परिचय पूरा बता दिया, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक इन सब में दिक्कत होती है तो वो ट्रिक वाला वीडियो देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब एक नया उदाहरण ले लेते हैं, सुधा पत्र लिखती है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया, सुधा के जगह अंडरलाइन हटा के पत्र का इस बार आपसे पद परिचय पूछ लिया है, ठीक है। तो अब पत्र क्या है, पत्र आप लोगों को पता है कि ये क्या है, एक संज्ञा है, ठीक है। तो जैसे ही आपको पता चल गया संज्ञा है तो वो हम अपना ले आते हैं। अब संज्ञा पता चल गया तो हमें क्या बताना है, भेद बताना है कि ये संज्ञा का कौन सा भेद है। तो आप लोगों को पता ही है, अगर आपने हमारा वो ट्रिक का वीडियो देखा है तो ये क्या हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा क्यों है ये सब मैंने उस वीडियो में बता रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। अब देखिए पत्र का देखिए कि आपको बताना है कि ये लिंग बताना है, लिंग क्या है, पुरलिंग है या स्त्रीलिंग। तो आप बोलिए ट्रिक वाला वीडियो अगर लिंक आपने देखा हो तो वहाँ मैं क्या करता हूँ, मेरा और मेरी लगाता हूँ, ठीक है। तो मेरा पत्र या मेरी पत्र, तो मेरा पत्र ज़्यादा सटीक पत्र है, मेरी पत्र तो सही नहीं बैठ रहा, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा, ये पुरलिंग हो गया आपका। अब नेक्स्ट आपको क्या बताना है, वचन, वचन ये कितना है, तो भैया सुधा पत्र लिखती है तो एक वचन ही है, ये तो आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताना है, इसका बताना है कि ये कारक क्या है, ठीक है, कारक बताना है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि लिंग, वचन, कारक ही बार घुमा फिरा के बताना रहता है। तो कारक क्या है यहाँ पर, यहाँ पे है दोस्तों कर्म कारक है, ठीक है। तो ये आप चीज़ें समझ गए, तो ये हो गया इसका, ये चारों चीज़ें क्या हो गई, पद परिचय हो गई। अब उदाहरण ले लेते हैं नेक्स्ट, मैं आपको कुछ रुपये दूंगा,
अब दोस्तों इसमें आप अंडरलाइन कहाँ पे है, मैं पे है। इसका मतलब इस बार हमें जो पद परिचय देना है वो मैं का देना है। तो मैं क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, ये है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम का ट्रिक का वीडियो भी हमने डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए, जैसे ही सर्वनाम हमें पता चल गया तो हमें क्या बताना है, सर्वनाम का भेद भी बताना है। तो ये सर्वनाम का कौन सा भेद होता है, ये होता है दोस्तों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब मैंने वहाँ डिस्कस कर रखा। अब आपको बताना है लिंग। तो लिंग क्या है, मैं आपको कुछ रुपए दूंगा, यहाँ दूंगी तो है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पुरलिंग हो गया। ठीक है, ये तो चीज़ आपको पता चल गई। वचन की बात कर लेते हैं, वचन मैं आपको कुछ रुपए दूंगा, मतलब यहाँ एक सिंगल की बात हो रही है, ये क्या हो गया, एक वचन हो गया। अब आपको बताना है कारक, कि कारक कौन सा है यहाँ पर, तो भैया यहाँ पे कारक क्या है, कर्ता है, क्योंकि यहाँ पर खुद क्या है, मैं ही कर्ता है, ये आपका हो जाएगा। तो ये चारों चीज़ें क्या हो गई, इसका पद परिचय हो गई। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट लेते हैं उदाहरण, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। अब सुंदर पे यहाँ अंडरलाइन कर दिया, मतलब इस बार हमको यहाँ का पद परिचय बताना है। तो सुंदर क्या होता है दोस्तों, ये है एक विशेषता, यानी कि विशेषण है। ठीक है, तो जैसे हमको विशेषण पता चल गया, अब हमें क्या करना है, विशेषण के साथ हमें उसका भेद भी बता देना रहता है। तो विशेषण में ये क्या है दोस्तों, ये है आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। विशेषण का ट्रिक का वीडियो भी बना रखा है, जरूर देख लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब आपको बताना है लिंग, कि इसका लिंग क्या है। तो उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, ठीक है, खिले हैं, खिली तो है नहीं, तो ये क्या हो गया, पुरलिंग हो गया, तुरंत आपने पहचान लिया। अब आपको बताना है वचन, तो वचन इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, बहुवचन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, देख लीजिए, खिले हैं, खिला है तो है नहीं, खिले हैं, मतलब बहुत सारे हैं, लग गया है, अंक की बिंदी लग जाती तो भी वचन क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है, आपको बताना है विशेष से बताना। अब विशेष में बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो हमारा ट्रिक वाला वीडियो देखिए, विशेष का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में, वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, विशेष से पहचानना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे विशेष क्या है दोस्तों, यहाँ पे विशेष है फूल। ठीक है, जैसे आपने ये फूल बताया, ये है किसके बारे में बात हो रही है, फूल के बारे में बात हो रही है, सुंदर क्या है, फूल है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ट्रिक से वहाँ पे बता रखी है। तो ये चारों चीज़ें यहाँ पर क्या हो गई, ये आपकी हो गई पद परिचय। नेक्स्ट अपना लेते हैं उदाहरण, ऋतु निबंध लिखती है। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर अंडरलाइन कहाँ पे है, लिखती है पे, यानी इस बार हमें इसका पद परिचय देना है। ठीक है, तो लिखना क्या होता है, लिखना हमारा क्या होता है, एक क्रिया होती है। ठीक है, तो जैसे हमको पता चल गया इस बार क्रिया बताना है, तो भैया ये लोग क्रिया, तो क्रिया के साथ भेद भी बता देना है, तो ये सकर्मक है कि अकर्मक है। अब इसका ट्रिक का वीडियो मैंने डाल रखा है, बहुत अच्छा, वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्या और किसको लगा देता हूँ। तो ऋतु निबंध लिखती है, मैंने कहा क्या लिखती है, तो आपने बोला निबंध लिखती है, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा कि किसको लिखती है, तो आपने कहा निबंध को लिखती है। इसका मतलब ये भी, जब दोनों सही हो जाता था उस ट्रिक के वीडियो में मैंने बताया था, तो आपका क्या होता था, सकर्मक क्रिया होती थी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो सकर्मक अकर्मक वाला वीडियो देखिए, लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मात्र 2 मिनट में आप चीज़ों को, पूरा वीडियो नहीं देखना आपको, सिर्फ 2 मिनट देखना, आप वो चीज़ें समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्रिया क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। अब आपको बताना है लिंग कौन सा है, तो ऋतु निबंध लिखती है, यहाँ पे ती है, इसका मतलब ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, तुरंत आपको पता चल गया। वचन बताना है, ऋतु निबंध लिखती, मतलब यहाँ ऋतु तो एक ही है, तो एक वचन हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में ही आ रहा होगा। अब काल बताना है, यहाँ पे दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्रिया में काल ही बताते हैं। ये चीज़ जो चार्ट मैंने बनाया है, ये आप जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको चीज़ें याद हो जाए। अब काल बताना है, तो लिखती है यानी कि क्या है, वर्तमान काल है। ये सब तो आपको ईजी है, ये तो जानते ही होंगे, तो इसमें कोई बताना है, ये है इसका पद परिचय। अब उदाहरण नेक्स्ट देख लेते हैं, गीता ने पुस्तक पढ़ ली। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पढ़ ली यहाँ पे अंडरलाइन है, तो ये पढ़ना क्या होता है दोस्तों, ये भी एक क्रिया है। ठीक है, तो जैसे ही क्रिया आया हमें समझ में आ गया कि क्रिया के साथ हमें क्या बताना है, भेद भी बताना है, तो फिर से हमें सकर्मक अकर्मक बताना है। तो हमने कहा कि क्या पढ़ ली, तो आपने कहा पुस्तक पढ़ ली, तो बिल्कुल सही जवाब है। हमने कहा किसको पढ़ ली, तो हमने कहा, आपने कहा पुस्तक को पढ़ ली, तो ये दोनों सही हो गया। तो जब दोनों सही होता है तो क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है। ये ट्रिक वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने सकर्मक अकर्मक नहीं पहचान पाएंगे तो गलती कर देंगे। ठीक है, अब आपको बताना है लिंग, तो गीता ने पुस्तक पढ़ ली, तो ठीक है, ये गीता क्या है, एक स्त्रीलिंग, पढ़ ली है ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा।
ये तुरंत आपने पहचान लिया। अब बताना आपको वचन, तो वचन क्या है, गीता एक ही है तो ये एक वचन हो गया। उसके बाद आपको काल पर बताना है तो ये क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पढ़ लिया है, पहले से ही पढ़ चुकी है, ऐसा तो नहीं पढ़ रही है। तो ये जो आपने चारों चीज़ें बताई हैं ये क्या हैं आपकी, ये हैं पद परिचय इस वाक्य की, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, उदाहरण है मैं कल बनारस जाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों मैं क्या है, मैं एक सर्वनाम है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। तो जैसे ही सर्वनाम आया तो सर्वनाम के साथ हमें क्या बताना हो, भेद भी बताना है। तो चलिए भेद बता लेते हैं, मैं क्या है, फिर से वही उत्तम पुरुषवाचक है, ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो तुरंत हमने बता दिया सर्वनाम है। अब हमको क्या बताना है, लिंग बताना है। तो लिंग बताने के लिए आप क्या करेंगे, मैं कल बनारस जाऊंगा, यानी कि यह जाऊंगा है ना कि जाऊंगी, तो ये क्या हो जाएगा, पुरलिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, अब आपको क्या बताना है, वचन बताना है। मैं कल बनारस जाऊंगा यानी अपनी खुद की बात कर रहा है, तो वो क्या हो गया, एक वचन हो गया, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट फिर देखते हैं कारक बताना। अब कारक क्या है, मैं कल बनारस जाऊंगा, मैं इसमें क्या है, कर्ता कारक है, तुरंत आपने समझ लिया। तो ये चारों चीज़ें मिला के क्या बन गई, यही इसका मैं का पद परिचय हो गया। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण हम अपना, कितने सुगंधित पुष्प हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर सुगंधित के नीचे अंडरलाइन कर दिया गया, तो आपको इसका बताना है, पद परिचय देना है। तो ये क्या है दोस्तों, सुगंधित यानी सुगंध, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया विशेषता होती है, यानी कि ये विशेषण हो गया। जैसे ही विशेषण आया हमने क्या किया, विशेषण का भेद बताना है। तो विशेषण का ये कौन सा भेद है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है, ये गुणवाचक, क्योंकि ये उसका क्या है, गुण है कि वो सुगंधित पुष्प है, ठीक है। अब हमने विशेषण बता दिया, अब हमें क्या बताना है, लिंग बताना है। तो लिंग बताना है तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, अब देखिए फिर से वही ट्रिक लगाएंगे सुगंधित का, मेरा या मेरी, ठीक है, मेरा या मेरी। तो मैंने कहा मेरा, मेरा सुगंधित, तो मैंने कहा बिल्कुल सही, मेरी सुगंधित, ये तो बिल्कुल गलत पड़ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पुरलिंग हो जाएगा सुगंधित। तो ये आपने निकाल लिया, लिंग इसका क्या हो गया, पुरलिंग हो गया। अब बात कर लेते हैं वचन की। तो अगर ये पुरलिंग स्त्रीलिंग नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे मैं निकाल रहा हूँ, तो वो ट्रिक वाला वीडियो देखिए, लिंग का डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। वचन, कितने सुगंधित पुष्प हैं लग गया ना, तो ये क्या हो गया आपका, बहुवचन हो गया, ये तो आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बताना है आपको, विशेष से बताना है। विशेष से क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, कौन सुगंधित है, तो आपने आंसर दिया पुष्प, तो यानी कि यही आपका क्या हो गया, विशेष से हो गया, ठीक है, ये हो गया पुष्प, पुष्प आपका क्या हो गया, विशेष से हो गया। तो ये चारों चीज़ें ही क्या हैं, पद परिचय हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं उदाहरण है हमारा, आह क्या स्वाद है। यहाँ पर अंडरलाइन किसे कर दिया गया, आह को, तो इसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, ये है आपका अव्यय, ठीक है। अब अव्यय क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वो ट्रिक वाला वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अव्यय यानी कि जो व्यय ना हो, ठीक है, यानी जो खर्च ही नहीं होता, जो किसी के कारण बदलता ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही अव्यय आया तो हमें क्या करना है, अव्यय का भेद बता देना। तो अव्यय का ये कौन सा भेद है दोस्तों, तो ये है विस्म्यादि बोधक, ठीक है, विस्म्यादि बोधक अव्यय, ठीक है, विस्म्यादि बोधक अव्यय। बाकी ना तो आपको लिंग बताना है, वचन बताना है, ना ही कार या कालक, और कुछ भी नहीं बताना है, ठीक है। क्यों नहीं बताना, अब मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ कि क्यों नहीं बदलते हैं, ठीक है, थीके? जैसे वह यहाँ से चला गया, ठीक है, ये ले लिया हमने, यहाँ पे अव्यय क्या है, यहाँ है, ठीक है, ये क्या है, एक अव्यय है। तो अब मैंने कहा वह यहाँ से चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा गीता यहाँ से चली गई, तो मैंने यहाँ लिखा, तब भी यहाँ पे लिखा, यहाँ पे क्या हो गया, क्रिया चली गई हो गया, वह यहाँ, गीता यहाँ से चली गई। फिर मैंने कहा राम यहाँ से चला गया, यहाँ पे चला हो गया। तो आपने ये देखा कि यहाँ हर बार सेम रह रहा, भले गीता यहाँ पे लिंग बदल जा रहा है, ठीक है, लिंग यहाँ पे गीत स्त्रीलिंग था, यहाँ पे पुरलिंग था, यहाँ पे क्रिया भी बदल जा रही है, चली यहाँ पे चला, लेकिन यहाँ जो था वो हमेशा सेम रह रहा था। मतलब ये किसी कंडीशन में बदलते नहीं है, ना तो इनका लिंग बदलता है, ना ये वचन बदलते हैं, ना काल बदलते हैं, ना कारक बदलता है। तो इसीलिए अव्यय क्या होते हैं, हमेशा फिक्स होते हैं। तो अव्यय का बस आपको भेद बता देना रहेगा, बस और कुछ नहीं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो अव्यय का वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। नहीं मिलता है तो कमेंट करिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे। तो
तो धीरे धीरे यहाँ पर इसके बारे में आपको बताना है पद परिचय। तो धीरे धीरे क्या है दोस्तों, ये है आपका अव्यय, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया, कैसे पता चल गया वो सब मैंने ट्रिक में बता रखा है। तो धीरे धीरे चल रहे थे, अब जैसे ही आपको अव्यय पता चला तो हमें क्या पता चल गया, अव्यय का भेद बताना है। अव्यय का ये कौन सा भेद होता है दोस्तों, तो ये होता है क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। तो जैसे ही क्रिया विशेषण अव्यय बता दिया आपने, अब इसमें आपको कुछ भी नहीं बताना, ना तो लिंग, ना वचन, ना काल, ठीक है। तो बस यहीं पे ख़त्म कर दीजिएगा, ये पूरा आपका हो जाएगा। अब दोस्तों ये है आज का प्रश्न आप लोगों के लिए कि धीरे धीरे चलो, इसमें आप लोगों को इसका पद परिचय बताना है अंडरलाइन में लेगा। और दूसरा प्रश्न है श्याम ने कल ताजमहल देखा, यहाँ पर ताजमहल का आपको पद परिचय बताना है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट में हमें करके बताएं, जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं पिन कर दूंगा, बाकी लोग वहां से जाके देख सकते हैं। और पिन में मैं आपको आंसर भी मेंशन कर दूंगा कमेंट में, तो वहां से जाके ज़रूर देख लीजिएगा एक बार कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पद परिचय से रिलेटेड ये हमारा वीडियो था। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 300 प्लस वीडियो डिफरेंट टॉपिक के, हिंदी प्रैक्टिस सेट और भी टॉपिक्स के वीडियो डाल रखे हैं। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंक आपको हर वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका आज के वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारा सपोर्ट करें। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।